हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर अनीस आज आप लोगों को कंस्टिपेशन के बारे में बताएंगे। कंस्टिपेशन मीन्स कब्जियत हो गया। जो आप खाना खाते हैं वो ठीक से नहीं पच पाना, उसी को कब्जियत कहते हैं। तो इस कब्जियत के कारण बहुत सारा बीमारियां होती हैं। बहुत सारा क्या, सारी बीमारियों का देन ही है कब्जियत, क्योंकि बहुत सारे लोग कब्जियत से परेशान रहते हैं। छोटे लोग हों या बड़े लोग हों, सभी लोगों को कंस्टिपेशन कब्जियत का ये प्रॉब्लम आता है। और कब्ज एक ऐसी बीमारी है, अगर उससे आप परेशान हो जाते हैं तो कोई भी काम करने में मन आपको नहीं लगेगा फर्स्टली। और दूसरी चीज़ है कि आपको तरह तरह का बीमारी भी होगा। तो इसके लिए आज हम आप लोगों को एक होम्योपैथिक मेडिसिन बतलाएंगे, जो कंस्टिपेशन के केस में, कब्जे के केस में बहुत ही कारगर काम करती है, बहुत ही कारगर। तो कब्जियत को तो आप जानेंगे, तो इसका होम्योपैथिक मेडिसिन भी आप जान जाएं। उसका होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपको बतला रहे हैं, बस उसे आप कुछ दिन लेते हैं तो मे भी जो कब्ज का प्रॉब्लम है वो आपको प्रॉब्लम खत्म हो ही जाएगा, कब्ज की परेशानी आपको दूर हो जाएगी। ऐसे मार्केट में कब्ज का जो मेडिसिन है, बहुत सारे मेडिसिन है, बड़ा बड़ा डब्बा में आपको मिल जाएगा। ये पीजिए, वो चूर्ण खाइए, वो खाइए, वो खाइए, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। आप अगर सिम्टम के अनुसार कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो कब्जे के केस में बहुत ही रामबान काम करती है। तो आज हम कुछ नहीं, आपको कब्ज के लिए एक होम्योपैथिक मेडिसिन बतला रहे हैं। उस मेडिसिन को आप कुछ दिन खाएं, कब्ज का प्रॉब्लम 100% आपके दूर होगा ही होगा। वो एक ऐसी मेडिसिन है, उस मेडिसिन का नाम है ब्रानिया। तो आप मार्केट में जाएं, ब्रानिया 200 पावर में ले लें, सुबह 4 बूंद और शाम को 4 बूंद खाएं। और दूसरी मेडिसिन ले चिलिडोनियम क्यू, उसका पूरा नाम हो गया चिलिडोनियम मेजर्स। अगर आप चिलिडोनियम क्यू एसबीएल कंपनी का ही लें और उसे 10 बूंद सुबह ताज़े पानी के साथ लें, 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम, और नहीं तो आप एक काम करें, 13 बूंद सुबह और 13 बूंद शाम लें, और ब्रानिया सुबह शाम खाएं। अगर आप लोगों को थोड़ी सी गैस का भी प्रॉब्लम है, और गैस का प्रॉब्लम होता ही होता है, तो इसके लिए एक खुराक का कार्बोवेज मेडिसिन 200 पावर में ले लें एसबिल का। तीनों आप मार्केट में जाएं और 30 ml में ले लें, 200 पावर में ब्रानिया और कार्बोवेज। ब्रानिया सुबह शाम खा लें और कार्बोवेज दिन में कहीं भी एक बार आप 4 बूंद खा लें। और चिलिडोनियम मेजर्स जो है, चिलिडोनियम जो क्यू है, उसे आप आधे कप ताज़ा पानी में सवेरे ब्रानिया खाते हैं, उसको 10 मिनट के बाद चिलिडोनियम क्यूब पी लें, सुबह 13 बूंद शाम को 13 बूंद। अकारो भी कहीं भी माने तो आप एक खुराक ले लें। इस मेडिसिन को आप कुछ दिन खाएं, आपको कंस्टिपेशन का जो प्रॉब्लम है, कब्जियत का प्रॉब्लम है, 100% दूर हो जाएगा। ऐसे तो बहुत सारे मेडिसिन है, जैसे अब वो सब मेडिसिन नहीं जो आप लोगों को कब्जियत का बताया, इतना यूज करें, बहुत ही 100% कार्य काम करते हैं कब्ज के केस में। तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अगर कोई आपको दिक्कत आती है, मेडिसिन खाते हैं, मेडिसिन ठीक होता है, अगर कोई दिक्कत आती है तो नज़दीकी फिजिशियन से जाके संपर्क लें, और नहीं तो इस पर मैसेज कर लें और मैसेज का हम आंसर आप लोगों को बतलाएं। कुछ दिन आप मेडिसिन को लेकिन यूज करें, बहुत ही बेहतर मेडिसिन है एब्रानिया, चिलिडोनियम और कारोवेज। इस मेडिसिन को यूज करें और उसके बाद बतलाएं कि वो कब्ज का प्रॉब्लम गया कि नहीं गया। तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा।